हेलो एवरीवन, क्या आपके नींबू के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आ रहे हैं तो वे गिर जा रहे हैं, पत्तियां सुकड़ रही हैं, पीली पड़ रही हैं और फूल जो हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं? तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही सस्ती है और उसे नींबू के प्लांट में डाल देने से कितना भी पुराना प्लांट हो उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, फूल भी आएंगे और फूल फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि इस प्लांट की केयर कैसे की जाए, क्योंकि केवल एक ही फैक्टर नहीं होता है जिसके कारण फल आने लग जाएंगे। सारे फैक्टर मिलकर ही किसी भी प्लांट को फल बनाने में मदद करते हैं। ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर ही नर्सरी से लाकर लगाया है। ये ग्राफ्टेड प्लांट है, इसमें जल्दी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। और देखिए, ये 8 इंची पॉट में लगा हुआ है और कितने बड़े बड़े इसमें नींबू लगे हुए हैं। और ये दूसरा प्लांट आप देख रहे हैं, ये 18 इंची पॉट में लगा हुआ है, इसमें पहली बार फल आए हैं। ये प्लांट मैंने 3-4 साल पहले बीज से लगाया था और बीज भी कोई मार्केट से लाकर नहीं लगाए थे। जो नींबू हम घर में यूज़ करते हैं शरबत वगैरह बनाने के लिए, उसी के बीज हमने ऐसे ही डाल दिए थे और प्लांट काफ़ी सारे निकल आए थे। तो मैंने ये एक प्लांट अच्छे से इसे लगा लिया था और धीरे धीरे ये काफ़ी बड़ा हो गया। हर साल मैं सोच रही थी कि अब इस साल इसमें फल आएंगे, पर फल आ ही नहीं रहे थे। फल तो क्या, फूल ही नहीं आ रहे थे। तो जो प्लांट हम बीज से लगाते हैं, सीड से ग्रो करते हैं, उसे मैच्योर होने में 3-4 साल का समय लगता है। उसके बाद ही उसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग शुरू होती है। ये प्लांट काफ़ी ऊँचे हो जाते हैं, इनकी हाइट काफ़ी होती है। और ये जो है ये ड्वार्फ वैरायटी है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, छोटे प्लांट में ही फल आने लगते हैं। तो इसकी प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। पर ये वाला जो प्लांट होता है, जो हमने सीड से लगाया है और इसकी हाइट काफ़ी हो जाती है, तो समय समय पर हमें इसकी प्रूनिंग ज़रूर ही करना पड़ती है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से सब इसकी प्रूनिंग कर चुके हैं, ये कट कर दिया था। तो जो भी ब्रांचेस सूख रही हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो उनकी हमें प्रूनिंग कर देना चाहिए। पहले ये प्लांट मैंने 7 इंच के पॉट में लगाया था, पर जब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो 1 साल बाद ही मैंने इसे बड़ा पॉट दिया है। तो फल वाले पौधे लगाने के लिए कम से कम 18 इंची पॉट तो होना ही चाहिए और इसके बाद जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा है, ताकि जड़ें अच्छे से फैल सकें। अब इस प्लांट के लिए सॉइल तो अच्छी, वेल ड्रेन ही चाहिए। ज़मीन पर तो प्लांट किसी भी हर तरह की मिट्टी में ये लग जाता है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, पर गमले में लिमिटेड स्पेस होता है, तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब फ्लावरिंग ना होने का या फ्लावरिंग होने के बाद फ्लावर ड्रॉप हो जाने का, फल में कन्वर्ट ना होने का चौथा मुख्य कारण है न्यूट्रिएंट्स की कमी। और कई बार क्या होता है कि फूल और फल ना आने पर हम लगातार उसमें फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी हमारा प्लांट खराब हो जाता है। फर्टिलाइज़र भी हमें प्लांट की अलग अलग स्टेज में अलग अलग फर्टिलाइज़र या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, प्लांट छोटा रहता है, उस समय उसे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो हमें उसे नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र यानि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर का खाद देना चाहिए। और जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए, मैच्योर हो जाए, तब हमें उसे पोटाश और फास्फोरस की मात्रा देना है। तो हमें पोटाश के लिए हम केले के छिलके, ये बेस्ट फर्टिलाइज़र है हमारे प्लांट के लिए, फ्रूटिंग या वेजिटेबल प्लांट के लिए। चलिए देख लेते हैं इसे देना कैसे है।
इसके लिए मैंने ली है 50% गार्डन सॉइल, अपने गमलों की ही मिट्टी ली है, और 40% लिया है गोबर का खाद, या आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और 10% मैंने मिलाई है सैंड, क्योंकि मिट्टी में पहले से ही थोड़ी रेत की मात्रा थी। और मैंने डाला है 200 ग्राम के लगभग इसमें नीम की खली, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला है। और देखिए अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल है। नींबू के प्लांट के लिए पानी बहुत कम चाहिए होता है, ज़्यादा पानी डाल देने से प्लांट खराब होने लगता है, इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है, तो हमको इसे पानी 2-3 दिन में एक बार ही देना है। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री के ऊपर यदि टेम्परेचर है तब आप देख लीजिए और उसी हिसाब से पानी दीजिए। पानी देने का कोई पैमाना नहीं होता है, आप अपने एरिया की क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कैसा टेम्परेचर है, उस हिसाब से पानी दीजिए। जब प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो उस समय ज़्यादा पानी देने से भी इसके फूल झड़ जाते हैं, तो जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए तो उस समय आप इसे पानी बहुत कम दें, बस इतना दें कि प्लांट सर्वाइव करता रहे। देखिए अभी भी इसमें छोटे छोटे फल लग रहे हैं, वैसे ये कागजी नींबू है तो साल भर ही इसमें फ्रूटिंग होती रहती है। तो ये केले के छिलके मैंने काट कर धूप में सुखा लिए हैं, आप काटना ना चाहें तो वैसे भी सुखा सकते हैं। अब देखिए आप थोड़ी सी सॉइल को हटा लीजिए, यदि गमले में जगह नहीं है तो आप सॉइल को निकाल लीजिए। ये तो मैंने अभी गुड़ाई की थी इसलिए बहुत सॉफ्ट है सॉइल, और बस इनको ऐसे किनारे किनारे आप डाल दीजिए और सॉइल से कवर कर दीजिए, ऐसे ही चारों ओर इनको डाल देंगे तो इससे प्लांट को अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। और यदि प्लांट की पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं तो आप 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, ये देखिए इस तरह का होता है, तो ये आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर डाल देंगे तो इससे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी और फल भी अच्छे आएंगे। अब आपने सारे न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में अपने प्लांट को दे दिए हैं, उसके बाद भी आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कुछ फ्लावर आए भी हैं तो वे गिर जा रहे हैं, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि प्लांट जो है वो सॉइल में से न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहा है, प्लांट में कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी होने पर भी प्लांट में फ्लावर नहीं आते हैं और फूल आते भी हैं तो वो गिर जाते हैं, फल नहीं बन पाते हैं, तो इसके लिए हमें अपनी सॉइल में अपने प्लांट को कैल्शियम देना है। कैल्शियम के लिए हमें बोन मील डाल सकते हैं, बोन मील हड्डियों का चूरा होता है इसलिए बहुत से लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, मैं भी इसे यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं आपको एक बहुत ही सस्ती सी 5-10 रुपए की चीज़ बता रही हूँ, ये है चूना, जो कि कैल्शियम का मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है, 5-10 रुपए में मिल जाता है पान वालों की दुकान पर या किराने की दुकान पर भी मिल जाता है, तो ये हमें 1 चम्मच लेकर 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। अच्छे से घुल जाना चाहिए, इससे जड़ें और स्टेम दोनों ही मजबूत बनते हैं और ये फिर सॉइल में से न्यूट्रिएंट आसानी से लेकर प्लांट को, प्लांट के हर पार्ट को पहुंचाते हैं। ड्राई सॉइल में हमें नहीं देना है इसे, सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर रहे तब हमें ये डालना है।
तो ये इस तरीके से आप चारों तरफ अपने प्लांट को डाल दीजिए और महीने में एक बार आप डालेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैंने जब इस प्लांट में ये चूने का घोल डाला है तभी इस प्लांट में फल आए हैं, तो आप भी ऐसा करके देखिए, आपके प्लांट में भी फूल ज़रूर आएंगे और वो फल में कन्वर्ट होंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है प्लांट की लोकेशन, कि आपने अपना प्लांट रखा कहाँ है। आपने सारे काम अच्छे से किए हैं, अच्छा पॉट दिया है, अच्छी वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार की है, बैलेंस्ड वाटरिंग कर रहे हैं आप और प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन भी दिए हैं, फर्टिलाइज़र भी आप समय समय पर दे रहे हैं, उसके बाद भी प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो इसका एक और मुख्य कारण है वो है प्रॉपर सनलाइट ना मिलना। नींबू के प्लांट के लिए फुल सनलाइट चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे की तो सनलाइट इसे ज़रूर ही मिलना चाहिए। तो ये थी फ्रेंड नींबू के प्लांट के बारे में पूरी जानकारी, फूल और फल ना बनने का कारण। इसके अलावा यदि कोई बात छूट गई हो और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।